अरे अबे तुम कब आए? मुझे तो आए हुए काफी टाइम हो गया जीजा जी, पर आपके साथ ये जतिन क्या कर रहा है? जी हाँ, हाउ आर यू? हैरान हो गए हो ना? एक्चुअली मैं भी हैरान हो गया था यार, जब मुझे दीपक ने खुद फोन करके ये कहा कि मैं इसके साथ इससे घर चलूं। मतलब जस्ट इमेजिन, वो आदमी जो आज तक मुझे अपने घर से निकालने की कोशिश करता रहा, नाकामयाब कोशिश, आज मुझे फोन करके खुद कहता है कि मैं उसके साथ उसके घर चलूं, और मुझे पिक करने भी आया। कहने लगा घर जाएंगे, बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, गपशप मारेंगे, और सुमन बेहतरीन चाय बना के देगी। अरे भैया, सुमन चाय नहीं, मुझे खाना भी खिलाएगी। हाँ हाँ, जरूर खिलाएगी। ऐसा करते हैं, हम चारों कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। फैंटास्टिक। हम चारों, यानी कि मैं भी? जीजा जी, मैं तो बस आप ही से मिलने के लिए रुका था। मैं चलता हूँ, प्लीज मुझे इजाजत दे दीजिए। वो तृप्ति मुझे मिस कर रही होगी। तृप्ति तुम्हें मिस कर रही है या तुम तृप्ति को मिस कर रहे हो? अब एक ही तो बात है। अरे थोड़ी देर तो बैठो, अब कम से कम चाय पी के तो जाओ हमारे साथ। जीजा जी, अब अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, पर चाय और मैं नहीं पी सकता। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। अरे जतिन, तुम यहाँ ऐसे क्यों मेहमानों की तरह खड़े हो? अरे कप उठाओ और उन्हें ले जाओ किचन में, और धो धो के सुमन को दो। अरे यार क्या बात है, घर में बस यही दो कप है क्या, और नहीं है? जतिन कम ऑन यार, पता है मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि चाय बनाना घर की औरत का काम होता है, लेकिन चाय पीकर चाय के कप्स को धोना वो घर के आदमी का काम होता है। माँ कहा करती थी ना? हाँ। तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े? कप्स उठाइए और जाइए उन्हें धोइए। अरे इट्स ओके सुमन, दरअसल बात है कि तुम्हारा ये सुस्त मोटू पति है ना, बहुत आलसी है, ये कुछ करता नहीं है। बट नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगा घर के क्या पूरे मोहल्ले के चाय के कप्स धोना, नो प्रॉब्लम। जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ तो तुम ये कप्स धो रहे हो, कहीं सुमन तुम्हें कह दे तो तुम तो सारे बर्तन ही धो दो। अबे धोना ही पड़ेगा, लेकिन सुमन तुम बोला मत मुझे। नहीं बोलूंगी, चलो आफ्टर यू। कप्स धो ही जाएंगे। क्या सोच रहा है जीजा जी, अचानक जतिन से कैसा दोस्ताना? क्यों नहीं, जब सुमन मेरी दोस्त से दोस्ती कर सकती है तो क्या मैं उसके दोस्त से दोस्ती नहीं कर सकती? आपकी दोस्त? हाँ, सपना, डॉक्टर सपना मित्तल, तुम मिल चुके हो उसे? हाँ मिल तो चुका हूँ, पर जीजा जी मुझे लगा कि सपना तो शीतल की दोस्त है। हाँ हाँ, शीतल की उससे दोस्ती यहीं पे हुई थी। नहीं जीजा जी, शीतल ने कहा कि वो बचपन के दोस्त है। सपना ने भी मुझे नहीं बताया कि वो शीतल की दोस्त थी। और शीतल ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि सपना आपकी दोस्त है। हो सकता है उसे मालूम ही ना, तुम शीतल से पूछ क्यों नहीं लेते? मैं तो जरूर पूछूंगा जीजा जी, लेकिन वो किसी काम से कहीं गई है दो आठ दिन के लिए। कोई बात नहीं, मैं सपना से पूछ लूंगा जब वो यहाँ आएगी। जरूर पूछिएगा आप, जरूर पूछिएगा। मैं तो तैयार हो गई डिनर के लिए, अब कहिए कहाँ जाना है? डिनर के लिए? भाई तुम दोनों डिसाइड करो, मुझसे क्यों पूछ रहे? अब मैं बताता हूँ क्यों पूछ रही है। इसलिए पूछ रही है क्योंकि बिल तो तुम्हीं को देना है ना। अरे भाई तुम्हारा ही आइडिया था कि खाना खाने के बाहर जाते। अच्छा बाबा, आइडिया मेरा ही था, लेकिन अब मुझे ही लग रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। क्यों? सुमन मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। ये क्या बात हुई यानी? मतलब खुद की बिल देने की बारी है तो पेट में दर्द है, अचानक कैसे हो गया? जतिन तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, आप क्यों झूठ बोलेंगे? अरे ये इसलिए बोला क्योंकि ये चाहता ही नहीं कि हम लोग डिनर के लिए बाहर जाएं। क्या बात कर रहे हो जतिन? यार मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम दोनों मत जाओ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम दोनों जाओ।
नहीं नहीं, आपके बगैर जाने में क्या मजा आएगा? अरे तब तो और ज्यादा मजा आएगा। क्या ठीक ही तो कह रहे हो, तुम्हारे लिए भी चेंज हो जाएगा सुमन, बोर नहीं होगी तुम मेरे साथ। आई मीन रोज रोज वही रूटीन, वही खाना है। मैं आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। सुमन हमेशा एक वाइफ के रोल में मत रहा करो, कभी किसी की दोस्त बन के भी जीना सीखो। भूल जाओ अपने पति को और एंजॉय करो अपने दोस्त के साथ। दोस्त के साथ तो कभी भी एंजॉय किया जा सकता है। मैं अभी आती हूँ। सुमन कहाँ जा रही? Obviously, किचन जा रही है अपने प्राणनाथ के लिए भोजन बनाने, रादर खिचड़ी बनाने। सुमन प्लीज मेरी बात मान जाओ, जतिन के साथ चली जाओ, मुझे सचमुच बहुत खुशी होगी। एक्सक्यूज मी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं ऐसा करता हूँ, बाहर जाता हूँ, खाना घर लेकर आता हूँ। दैट्स अ गुड आइडिया। देखो तुम मेरे लिए जीरा राइस ले आना, दही तो घर में होगी। क्यों सुमन? हाँ लेकिन देखो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं यार, मैं अभी क्या और अभी आया। लेकिन मेरी एक शर्त है। अब क्या हुआ दीपक? तुम सुमन को अपने साथ ले जाओ। क्यों? बिल पे करने के लिए। फिर ठीक है भाई। गुड्डू तेरे कानपुर में हड़ताल है, तेरे को सुनाई नहीं देता? क्या सुनाई नहीं देता है? अरे बेल, कब से बेल बज रही, तेरे को सुनाई नहीं देती? मेरे को तो नहीं सुनाई देती। बोल। हाय हाय गुड्डू, तेरे को बेल नहीं सुनाई देती? मेरे कान तो देखो, कहीं तो बेरा तो नहीं हो गया? कैसे ऐसे करके मेरे कान पकड़ रही है? तू जो मुझे बातें बोल रही है ना, वो सब मेरी समझ में आता है। मैं कुछ बेरा नहीं हूँ, बेरी। तो फिर तेरे को बेल क्यों नहीं सुनाई? देख देख देख, फिर से बेल बजी, बेल नहीं सुनाई देती? तेरे को बेल सुनाई दी? हाँ फिर? तू एक काम, तू जाके दरवाजा खोल जा। ए गुड्डू, तेरी डायलॉग बाजी बंद कर, दरवाजा खोलने का काम तेरा है, चल जाके वो तू कर। लगता है कि घर में इच नहीं है। ए तू जा, चल तू जा, तू जा, तू जा, तू 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 जा, चल चल चल। हाय हाय, यहाँ तो कोई नहीं है। इसीलिए तो मेरे को ढेल की, मेरा मतलब है कि बेल की आवाज नहीं सुनाई दी है। पर गुड्डू बेल तो बजी थी। ऐसा? हाँ। एक मिनट, मेरे को चेक कर ले। ते कहाँ बजती है? बजती है। नहीं बजती। अरे छोड़ चल, चल, चल। सुमन तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया जतिन के साथ जाने के लिए। मैं समझ सकती हूँ दीपक, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो ये शुरुआत होनी थी ना। हाँ, अंत की शुरुआत। ऐसा मत कहो दीपक, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा फोन आते ही मैं चली आई। फोन तो मुझे तुम्हें करना ही था सपना, तुम्हें ये कहने के लिए कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। कहीं तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। सपना, वो लोग आते ही हो, अब तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं दीपक, तुम नहीं कर पाओगे। मुझे ही करना होगा। क्या करना होगा? ऐसा कुछ जिससे तुम्हें भी तकलीफ ना हो और सुमन को शक भी ना हो। कि मैं जतिन को उसके साथ रहने के इतने मौके क्यों दे रहा हूं? दीपक, तुम वो दवा तो ले रहे हो ना जिससे तुम सुमन के सामने अपनी बीमारी पर काबू रखने की मदद मिले। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। इतना सब कुछ तो कर रही है तुम मेरे लिए। लीजिए सब। थैंक यू। देखो कृष्णा, भूलना मत, आज तृप्ति को डेफिनेटली डॉक्टर के पास ले जाना है। जानते हो उसके दांत निकलना शुरू हो गए। लो साहब, आप भी कमाल की बात करते हैं, मैं तृप्ति बिटिया को कैसे भूल सकता हूँ? मैं उसका उतना ही ख्याल रखता हूँ जितना आप रखते हैं। वो बात तो सही है कृष्णा, इसलिए कल वो बहुत रो रही थी, तो
तुम बाजार से लेट आए ना, इसीलिए। साहब रास्ते में गुड्डा गुड्डी मिल गए थे, उनके साथ मैं घर चला गया था। शीतल के घर? नहीं साहब, तरुण साहब के घर। शीतल मैम साहब तो वहां से चली गई है। क्या वो वाकई चली गई कृष्णा? हाँ साहब वाकई चली गई है, लेकिन खुशी बिटिया जिसे कल तक माता पिता दादी मौसी मौसा सबका प्यार मिलता था, आज वो गुड्डी के प्यार की मोहताज बनकर रह गई साहब। पर कृष्णा तरुण को भी अपनी बेटी के लिए वक्त नहीं मिलता ना, कम से कम गुड्डी तो उसका ख्याल रखती है। हाँ साहब बहुत ख्याल रखती है, लेकिन नौकर तो फिर भी नौकर ही होते हैं ना साहब, और माँ माँ होती है, भले ही वो सौतेली माँ ही क्यों ना हो। नहीं कृष्णा ऐसा मत कहो, सुनीति ने अपने आप को कभी सौतेली माँ नहीं समझा। साहब मैं सुनीति मैम साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो काजल मैम साहब की बात कर रहा हूँ साहब। काजल? हाँ साहब, गुड्डा गुड्डी बता रहे थे कि काजल मैम साहब तरुण साहब के साथ आती जाती है। हाँ वो इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं ना। सिर्फ दोस्त ही नहीं साहब, काजल मैम साहब तरुण साहब से प्यार भी करती है। क्या? हाँ साहब, वो खुशी बिटिया को माँ का प्यार दे सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? लेकिन तरुण साहब उनसे शादी कर ले तो? कृष्णा तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है कृष्णा? ऐसा क्या गलत कह दिया साहब मैंने? तुम तरुण की शादी की बात सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन साहब बच्चे की खातिर पत्नी के गुजर जाने के बाद पति को दोबारा शादी करनी पड़ती। लेकिन तरुण की पत्नी मरी नहीं, वो जिंदा है, समझे कृष्णा? और सुनीति के जीते जी मैं उसके पति तरुण की शादी के बारे में किसी को सोचने भी नहीं दूंगा, क्योंकि जब सुनीति लौटेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कृष्णा? क्या कहूंगा उससे कि जिसकी खातिर उसने इतने सारे बलिदान दिए वही तरुण ने किसी और से शादी कर ली? हेलो। हेलो रवि, पहचाना? अरे तरुण। हाँ। अरे मैं कल से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा था। कोई कैसे उठाएगा, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल? हाँ तरुण, मैं बाप बन गया हूँ। अरे वाह, कांग्रेट्स यार। थैंक्स तरुण, कल रात को ही जन्म दिया मीरा ने हमारी बेटी को। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। जानता हूँ तरुण, ड्यू डेट से पहले ही आ गई हमारी बेटी, इसीलिए इनक्यूबेटर में रखा है। वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। और मीरा कैसी है? शी इज डूइंग परफेक्टली फाइन, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी। फिर तो तुम हफ्ते 10 दिन तक यहाँ नहीं आ पाओगे। वहाँ किस लिए? मेरा ये कहना गलत नहीं होगा रवि, तुम्हारी बेटी बड़े अच्छे कदम लेकर आई है, उसने तो आते ही बिछड़ों को मिलाने की राह बना दी है। तरुण तुम क्या कह रहे हो, साफ साफ कहो। रवि मैं दर्पण के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, दर्पण के प्रेसिडेंट के कैबिन में से। क्या? मैं अब दर्पण का प्रेसिडेंट हूँ। दरअसल मैं नहीं, सुनीति है दर्पण की प्रेसिडेंट, माँ की वसीयत के मुताबिक। P for parrot, parrot मतलब तोता। हाँ। Q for queen, queen मतलब रानी, रानी। सुन रहे? R for rat, rat मतलब चूहा। अच्छा। वाह वाह वाह। S for spoon, spoon मतलब चम्मच, चम्मच। T for temple, temple मतलब मंदिर। तुम कभी मंदिर गई हो? हो गई हूँ ना। क्यों? तुम्हारी सुनीति मंदिर नहीं जाती थी क्या? क्या? उसने तो घर को ही मंदिर बना के रखा था। हाँ? तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ? आज पहली बार सुनीति के लिए तुम्हारे मुंह से तारीफ सुना, अच्छा लगा। गुड गुड। ये तारीफ नहीं तंज था। ये तो तुमने अच्छा किया तरुण, रवि को अपने पास पहले ही बुला लेना चाहिए था। अबे मैं सोच रहा था शीतल दी को दर्पण ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन वो तो चली ही गई। उन्होंने तुमसे कोई कांटेक्ट किया ना? और मैं चाहता हूँ कि वो कांटेक्ट करने की कोशिश भी ना करे। तो क्या उन्होंने तृप्ति का हाल पूछने के लिए भी फोन नहीं किया ना?
उसका कोई फोन नहीं आया। हाँ, अगर उसने फोन किया होगा तो कुमार को किया होगा, अगर वो उसके साथ नहीं गया हो तो। नहीं, वो तो नहीं गया, उसका फोन आया था, वो भी शीतल दी के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, that's very strange. इसका मतलब है उसने कुमार को भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। I hope वो ठीक हो। और मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये बताओ, काजल कैसी है? वो ठीक है। तुम्हारे साथ है? नहीं, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस मैं तो यही जानना चाहता था कि तुम खुशी की देखभाल कैसे करते हो। उसी तरह जिस तरह तुम तृप्ति को संभाल रहे हो, और फिर मेरे पास तो गुड्डी भी है। हाँ, और यहाँ कृष्णा है। वैसे खुशी है कहाँ? खुशी मेरे पास है। तृप्ति कैसी है? यही मेरी गोद में। मैं अभी रवि को फोन करता हूँ, वो मान तो जाएगा ना? हाँ तरुण, वो जरूर मान जाएगा। लेकिन एक काम करना, उसके आने से पहले सुनीति की तस्वीर दर्पण से जरूर उतार देना, वरना कहीं उसे भी ना लगे कि सुनीति लौट के नहीं आने वाली है। सुनीति का तो हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ा रहना ही एक ढोंग था, नाटक, सिर्फ नाटक, जिससे वो सबको इंप्रेस किया करती थी। हर सोमवार मंदिर जाया करती थी, बाकायदा पूजा की थाली तैयार करके लेके जाती थी। सब समझते थे सुनीति कितनी सात्विक है। रबिश, मैं तो कहती हूं सुनीति मंदिर भी किसी प्रेमी से मिलने ही जाया करती थी। अच्छा, ऐसा लफड़ा था? कौन से मंदिर में जाती थी? यहां से काफी दूर है, जिस इलाके में हमारा घर है वहीं एक शिवजी का मंदिर है। जय शिव ओमकारा। ओह माय गॉड, जय शिव। तुम्हें शिवजी की आरती आती है? हाँ, जब इतनी सी थी ना तब से आती है मुझे। तुमको नहीं आती है क्या? नहीं आती। हाँ, तुमको लक्ष्मी जी की आरती आती होगी, है ना? वो दिवाली के दिन गाते हैं ना, वही। नहीं आती है। नहीं आती मुझे कोई पूजा, नहीं आती मुझे कोई आरती। तुम्हें तो आती है ना, उतना ही काफी है, वरना पता नहीं मैं तुम्हें कैसे सिखा पाती। मतलब सुनीति को आरती पूजा पाठ सब कुछ आता था ना? तब से मैं क्या कह रही, यही तो कह रही हूँ मैं। पूजा पाठ करके, व्रत रखकर उसने मेरी माँ का दिल जीत लिया था। हाँ, तो अभी तो तुम्हारी माँ ने उसको अपनी बहू बना लिया है कि नहीं? ये भी नहीं सोचा कि जिसे वो अपनी बहू बना रही है वो तो उनके जवाई पर ही डोरे डाल रही है। तभी सुनीति ने इतना पुण्य कमाया, इतने बड़े घर की बहू बनी, अपने पूजा पाठ से सबका मन जीत लिया। झूठ मूठ की पूजा पर फिर भी मन जीत लिया ना। हर सोमवार को जाती थी। कल सोमवार है ना?